इस बेल आइकन पर क्लिक करें और रहें अपडेटेड हर नई जानकारी से। अब सभी अपडेट्स आपके मोबाइल और ईमेल पर। फॉर्म का भरपूर फायदा उठा रहे चेतेश्वर पुजारा। पुजारा को अगर मौका दे तो वो वहीं सो जाए। 6 दिसंबर से 7 जनवरी वो 33 दिन जो ना कभी पुजारा भूलेंगे, ना उनके फैंस, ना तो ऑस्ट्रेलिया और ना ही इतिहास। इन 33 दिनों में चेतेश्वर पुजारा का कद इतना ऊंचा उठा जितना पिछले 30 सालों की उनकी जिंदगी में कभी नहीं था। जैसे सिचुएशन होता है, जैसे विकेट होता है, वो हिसाब से बैटिंग करनी पड़ती है। ये विकेट में देखे तो हर बैट्समैन को रन बनाने के लिए काफी बॉल्स खेलने पड़ रहे थे और काफी मुश्किल था। अगर और कोई विकेट होता तो वो विकेट में शायद इतने बॉल खेलने के बाद मेरे 140-150 रन तो एटलीस्ट होते। बट टेस्ट क्रिकेट में वही इम्पोर्टेंट है कि आप पिच को और सिचुएशन को रीड करके बैटिंग करें। अभी कल ही की बात है, दुनिया को उनकी धीमी गति आंखों में चुभती थी, लेकिन पुजारा के दृढ़ निश्चय और हट के आगे ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस और लायन जैसे दिग्गजों की धार ऐसी कुंद हुई कि सब उठकर उनको सलाम करने पर मजबूर हो गए। विराट कोहली भी अब थोड़ा सा कन्विंस हो गए हैं कि एक डिफेंसिव बल्लेबाज उनको मैच जिता सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक समर्थक रहे हैं अटैकिंग बल्लेबाजों के लिए। डिफेंसिव बैटिंग जब चाहिए थी कोई नहीं कर पा रहा था, पुजारा ने करके दिखाया कि डिफेंसिव बैट्समैन के लिए जगह इस टीम में है। पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में 521 रन बनाए, ये उनके टेस्ट जीवन में किसी एक सीरीज में बनाए सबसे अधिक रन है। है ना खास प्रदर्शन, लेकिन दौरे पर ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक बल्लेबाज ने इतना इम्पैक्ट, जो कहते हैं एक विनिंग इम्पैक्ट जो होता है पूरे सीरीज में, ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं, 4 मैच की सीरीज से एक बल्लेबाज ने इतना बड़ा विनिंग इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता इसके पहले किसी भारतीय बल्लेबाज ने किया है। पेशेंस इतना है उनके पास, बहुत बॉल खेल सकते हैं, पूरा दिन बल्लेबाजी कर सकते और बॉलर्स को थका देते। 1990 से देखें तो इंग्लैंड के एलिस्टर कुक के अलावा सिर्फ पुजारा ही हैं जिन्होंने किसी टेस्ट सीरीज की सिर्फ 7 पारियों में 1250 से अधिक गेंदों का सामना किया है। इस मामले में इंडिया की ये मॉडर्न दीवार ओरिजिनल दीवार से भी मजबूत निकली। जब जब पुजारा टिके तो इंडिया टिका, कोहली को नई गेंद से बचाया और फिर उनके साथ ऐसी ऐसी साझेदारियां बुनी जिसने ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक पतन की इबारत लिख दी। जब हम पुजारा का सोचते हैं तो पहली चीज़ आती है दिमाग में इस डिफेंस। इस बार उन्होंने डिफेंस करके और सारे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को बिल्कुल थका दिया था, उसकी वजह से जो आपकी बाकी की बल्लेबाजी थी उनके लिए आसान हो गया। 31 घंटे उन्होंने बल्लेबाजी की इस सीरीज़ में, सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, 3 शतक किए और आखिरी इनिंग्स में जो 2-1 से भारत जब आगे थी और 190 रन किए, उससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सीरीज लेवल करने का बिल्कुल मौका निकाल दिया। वैसे तो दौरे पर पुजारा ने 3 शतक लगाए, लेकिन कौन सा वाला सबसे खास था? एडलेड में अगर पुजारा शतक नहीं बनाते थे तो मैच ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत सकता था। पहला टेस्ट अच्छा खेलना जरूरी था और उसके लिए वो शतक उनका बिल्कुल अहम था। जब टेलेंडर्स आए, उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना इम्प्रूव किया, रन जल्दी बनाए, 30 या 40 उनके एंड के रन बहुत जल्दी बनाए, तो उसमें स्कोर का बहुत फ़र्क पड़ गया। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो जो पहला शतक था उनका एडलेड का, वो सबसे महत्वपूर्ण था इस सीरीज़ के लिए। जब सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तो दोनों टीमों के पास एक बड़ी कमज़ोरी थी, बल्लेबाजी। क्वालिटी बॉलिंग दोनों टीमों के पास थी और भारत ने पहले बल्लेबाजी की, पिच में थोड़ी सी जान थी और टिपिकली जल्दी विकेट गिर गए, दोनों ओपनर्स आउट हो गए और फिर पुजारा ने आके 123 रन शायद बनाए 250 के स्कोर में, तो वो शतक मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन शतक था। और फिर आखिरी में करीबन 200 रन बनाने, ये दूसरी खासियत उनकी बताता है कि इतने घंटे क्रीज पे उन्होंने स्पेंड किए, उसके बावजूद उनके पास फिर भी इतनी मेंटल एक एनर्जी थी कि जाके लास्ट टेस्ट में सीरीज के अंत में जाके ऑलमोस्ट उन्होंने 200 रन बनाए।
8 साल 68 टेस्ट और 24 टेस्ट सीरीज में पहली बार चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द सीरीज बने हैं। उनके बैट ने ऐसा बवाल मचाया कि 71 साल में पहली बार अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर चूर चूर हो गया और पुजारा का नाम आने वाले वक्त में डिफेंसिव बैटिंग की एक मिसाल बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।